जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि हर सफल इंसान के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि स्त्री चाहे तो अपने घर को बना दे या बिगाड़ दे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो स्त्री जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, क्योंकि स्त्री ही अपने घर की और अपने परिवार की देखभाल करती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर की स्त्रियों के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन यदि स्त्री करे तो घर में कभी भी धन सुख संपत्ति की कमी नहीं होती है और उस घर में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती है। और यदि इन नियमों का पालन जिस घर में नहीं होता है, उस घर में दरिद्रता का वास होता है, जिससे घर के सभी सदस्य को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके घर की समस्याओं को दूर कर देगा। दोस्तों, आजकल की महिलाएं जो सबसे बड़ी गलती कर रही हैं, वो किसी भी दिन अपने बालों को धोती हैं, जो कि गलत है। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि यदि कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके छोटे भाई पर बुरा असर पड़ता है। और महिलाएं एक बहुत बड़ी गलती करती हैं जब वह किसी त्योहार के दिन अपने बालों को धोती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह गलत है। खासकर महिलाओं को एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या को बाल नहीं धुलना चाहिए। और माताओं यदि किसी दिन व्रत करती हैं, तो उस दिन भी अपने बालों को ना धोएं। गुरुवार के दिन चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी ना तो बाल धुलना चाहिए और ना ही बाल को कटवाना चाहिए। और यदि ऐसा जो करता है, उससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु हमेशा नाराज रहते हैं। अब बात करते हैं कि स्त्री को बाल कब धोना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, जिस स्त्री को पुत्र की कामना हो, वह शुक्रवार के दिन यदि अपने बालों को धोती है तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यदि किसी कारणवश आपको किसी और दिन बाल को धोना पड़े, तो आप अपने बालों में थोड़ी सी हल्दी लगाकर तब बाल को धोएं। शुक्रवार को बाल धोने से माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है और आपके परिवार में धन सुख समृद्धि प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।